पेट्रोलियम विभाग के सेक्रेटरी आदरणीय तरुण कपूर जी, आज के कार्यक्रम पे मुख्य संयोजक बीपीसीएल के सीएमडी पद्माकर जी, तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनी के प्रमुख अधिकारी मित्रगण, सारे उनके चेयरमैन, सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सदस्य मित्रगण, आज के कार्यक्रम पे जुड़े हुए आदरणीय फ्लीट ऑपरेटर्स, बॉस ऑपरेटर, एलएनजी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, सीजीडी के काम पे जुड़े हुए कंपनी मित्रगण, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स मैंने ऑटोमोबाइल्स की ग्रुप, पत्रकार मित्रगण और अन्य साथीगण, मित्रों आज सच में एक आनंद की दिन है, इसीलिए कि हमारी पूरा टीम मिलकर हम लोग जो योजना बनाते हैं, जो सोचते हैं, जिसको योजना में परिवर्तित करते हैं और उसको समय के साथ साथ क्रियान्वयन भी करते हैं, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विशेष कार्यशैली है। सिर्फ सरकार की काम घोषणा नहीं है, सिर्फ सरकार की काम योजना बनाना नहीं है और उसको बना के छोड़ देना नहीं है, इसको निरंतर इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना और टाइमलाइन के साथ एग्जीक्यूट करना, तब जाके जो अपेक्षा रहती है सुविधा की, लाभ की, इसमें आज उस दिशा में एलएनजी को देश में ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल, विशेष करके हैवी ड्यूटी व्हीकल में, लॉन्ग हॉल ट्रांसपोर्टेशन में, माइनिंग सेक्टर में, इंटरनल इंडस्ट्रियल ट्रांसपोर्टेशन में हैवी मशीनरीज के फ्यूल करके यूज करना, ये हम लोगों की एक योजना 2-3 साल पहले बनी। पिछले 2-3 साल के अंदर हमने उसमें से काफी प्रगति भी किया है। देश को गैस बेस्ड अर्थनीति बनाने के लिए एक सोची समझी स्ट्रैटेजी Day 1 से इंप्लीमेंट किया जा रहा है। देश के अंदर पहले सीजीडी नेटवर्क बने, ट्रंक पाइपलाइंस बढ़े, देश की गैस उत्पादन बढ़े, एलएनजी टर्मिनल्स बने, उसकी टैक्स स्ट्रक्चर सरल हो, टैरिफ सरल हो, ये सारा विषय में काम तेजी से आगे बढ़ रहा है और आप सब उसमें से जुड़े भी हो। इसको करते हुए एक समय में और एक कदम ध्यान में आगे आया कि एलएनजी को क्यों ना हम एक ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल करके यूज करें। जो 2-2.5 साल 3 साल पहले जिसको कल्पना किया गया, आज इसीलिए आनंद की दिन है, आज उसमें से जमीन पे उसको हम लोग ने उतारना शुरू कर दिया है। और मैंने जितना पिछले दिनों में समीक्षा में समझा, शायद ज्यादा से ज्यादा 1 साल के अंदर, ज्यादा से ज्यादा और उससे आगे हो जाए तो वो भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि एलएनजी रिटेल सिस्टम लगानी है, जो आज 50 जगह पे हम शुरू कर रहे हैं, जो इस गोल्डन क्वाड्रिगल के अंदर लगभग 150 लगने वाला है। एलएनजी टर्मिनल देश में आज दहेज, हजीरा, दाबोल, कोची, इन्नोर, ये 5 जगह में फंक्शनल है। धामरा में प्रोजेक्ट की काम चल रहा है, मुंद्रा एडवांस स्टेज पे है, जयगढ़, 4, जाफराबाद, गोपालपुर, ये सारे में एलएनजी टर्मिनल्स की काम डिफरेंट स्टेज पे है। देश में सीएनजी की गाड़ियां बढ़ना शुरू हो गया है। मैं विशेष करके 2 एजेंसी को उसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। हमारी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ओईएम आज तो ऑटोमोबाइल्स के अंदर सीएनजी गाड़ियों के लिए प्रायोरिटी बन चुका है। शायद देश की सारे ऑटोमोबाइल कंपनी इंजन बनाते हुए फ्लेक्सी इंजन बनाते हैं और सीएनजी को लगाने के लिए व्यवस्था देते हैं। रिट्रोफिट भी तेजी से बढ़िया बनते जा रहा है।
क्योंकि भारत की इकोनॉमिक अफोर्डेबिलिटी भी एक हम लोगों के सामने चैलेंज होती है। पेसो भी उतना ही तेजी से कोऑपरेशन कर रहा है। अभी सेक्रेटरी पेट्रोलियम उसके बारे में अप्रिशिएट किए, मैं भी उसके साथ जुड़ता हूं। पेसो की मदद से आज हम लोग पूरा जीरो कॉम्प्रोमाइज इन सिक्योरिटी सेफ्टी, जो पेसो कहेगा उसको तो हम अक्षरशा मानेंगे, लेकिन पेसो उसमें से एक ओपन और एग्रेसिव माइंड से हमको कोऑपरेट कर रहा है। इसके लिए मैं पेसो का भी आभारी हूं। ये सारे दुनिया के लिए पीएनजी सीजीडी सीएनजी ये सब के लिए जो इक्विपमेंट्स भी लगेगा उसको भी तेजी से हम शुरू कर रहे हैं। ऐसे ही एलएनजी के लिए करना पड़ेगा। एलएनजी ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल, एलएनजी के लिए ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, इस बीच में कई राउंड्स की चर्चा कर चुके हैं। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के पास एक चैलेंज रहना स्वाभाविक भी है। मैं आपको अनुरोध एक विषय करना चाहूंगा, देखो आपको एक खुले मन से, और आपने मदद किया है, आपने देश की आवश्यकता 2015 में प्रधानमंत्री जी ने पेरिस में एक जवाब दे के आए कि हम अपना देश में प्रदूषण घटाएंगे। हम विश्व की एक प्रदूषणकारी देशों में नहीं है, फिर भी COP21 में प्रधानमंत्री जी ने यह आश्वासन दे के आए, जिम्मेवारी लेके आए, और हम उसमें से कमिटेड भी हैं। देश के नागरिकों को स्वच्छ ईंधन पहुंचाना हमारी प्रायोरिटी की विषय है। एलपीजी तो पहले भी था, लेकिन इन दिनों में हम लोगों ने 8 करोड़ एलपीजी गरीबों के घर में सरकार के खर्चे से पहुंचाया। अभी पैंडेमिक के समय में उस 8 करोड़ में 14 करोड़ मुफ्त में एलपीजी सिलेंडर हम लोगों के घरों तक पहुंचाया। इसलिए एनर्जी तो आज गरीब कल्याण की एक इंस्ट्रूमेंट भी बन चुका है। एनर्जी एक बड़ा रोल प्ले करने लगा है सामाजिक अर्थनीतिक परिवर्तन की ओर। ओईएम की मित्र ये समझे, देश में आपकी मदद से हम लोग आज यूरो 6 BS 6 स्टैंडर्ड की ऑयल सप्लाई कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल में। ये बेस ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल रहने वाला है। आज की जो खपत हो रही है उससे आने वाले दिनों में खपत बढ़ेगा। बढ़ने की इलाका में हमने योजना बनाई है, सीएनजी गाड़ियां बढ़े, इलेक्ट्रिक व्हीकल भी बढ़े, ऑटो एलपीजी तो एक सेगमेंट में है ही, वैसे ही लॉन्ग हॉल में एलएनजी भी आ जाए। इसलिए आपको कोई कंफ्यूजन की कारण नहीं होनी चाहिए। ये सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल रहेगा। हाँ, ये बात आपके साथ मिलके बात करेंगे, कौन सी सेगमेंट में किसको प्रायोरिटी देंगे, क्या रोड मैप है, तो एक पेट्रोलियम विभाग उसकी लीड लेने वाला है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री, ये सबसे सलाह करके हम लोग आपको आश्वस्त करेंगे कि जैसे आपके बिजनेस प्लान को भी कोई नुकसान ना हो। एलएनजी के बारे में मैं ये विषय में स्पष्ट हूं, देश में आने वाले दिनों में एक अच्छी खासा मात्रा में लगभग 20 से 25 MMCMD इक्विवेलेंट एलएनजी देश में आ जाएगा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में। दुनिया में एलएनजी सस्ता मिलने वाला है। हम एलएनजी वर्सेस क्रूड ऑयल, हम दोनों को खरीदना पड़ेगा बाहर से। हम एलएनजी खरीदे तो क्रूड के ऊपर हमारा निर्भरता घटेगी, हम भारत की क्रूड की डिपेंडेंसी ग्लोबल मार्केट से घटेगी, तो क्रूड ऑयल की प्राइस में भी नमी आएगी, वो भी सस्टेन होगा। इसलिए भारत की एलएनजी नेटवर्क की स्ट्रैटेजी सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट के लिए नहीं रहेगा सीमित, ये ग्लोबल एनर्जी प्राइस को भी कंट्रोल कर सकता है। यह हमारी एम्बिशन है। विश्व में वंचित लोगों को, गरीब लोगों को सस्ते में चीज मिले, यही इसी में से भी जुड़ा हुआ है। और हम आने वाले दिनों में देश के अंदर आज लगभग 1 मिलियन ट्रक्स है, उसमें से अगर हम
10% 10 लाख 10 मिलियन की ट्रक्स है देश में आज, 10 मिलियन ट्रक्स है, यानी 1 करोड़ ट्रक है, उसमें हम लोग टारगेट लेके चले 10 लाख हेवी व्हीकल्स को और एंटायर माइनिंग सेक्टर की हेवी इक्विपमेंट्स को हम लोग एलएनजी में कन्वर्ट करने की टारगेट लेके चले। आज सरकार की कंपनी या निजी क्षेत्र में काम करने वाले सीजीडी एंटिटी, इनकी मैं इनसे जितना चर्चा किया हूं समझाऊं वो तो स्पष्ट है, उनको मार्केट दिख रहा है, वो उसमें से एग्रेसिव है। हमें कहा गया, इसकी स्पष्टता और बनानी बाकी है, डीजल और एलएनजी की तुलना में एलएनजी लगभग 40% सस्ता है। आप कल्पना करिए, हेवी व्हीकल्स में अगर 1 करोड़ ट्रक में से 10 मिलियन ट्रक में से हम लोग 1 मिलियन ट्रक यानी 10 लाख ट्रक को अगर हम लोग एलएनजी में कन्वर्ट करते हैं, उसकी खर्चा 40% 30% घट जाता है। ये कितना बड़ा सेविंग होगा, ये विन विन बिजनेस सबके लिए होगा। देश की लॉजिस्टिक कॉस्ट घटेगी, इन्फ्लेशन के ऊपर उसकी प्रभाव आएगी, पॉजिटिव प्रभाव आएगी, नया इकोनॉमी जुड़ेगा। ये सॉक्स नॉक्स, मेरे को ये कहा गया, ये तो सॉक्स उसमें से लगभग 0 एमिशन होगा, नॉक्स लगभग 85% एमिशन रिडक्शन हो जाएगा। इसलिए ये पर्यावरण की दृष्टि से बहुत लाभदायी है, खर्चे की दृष्टि से बहुत अच्छा है, इकोनॉमी है। इसीलिए मैं आज बधाई देता हूं ये मार्केटिंग कंपनियों की टारगेट्स को दिखते हुए, आपने 150 विभिन्न राज्यों में 5 कंपनी IOCL 20 एलएनजी स्टेशन बनाने वाला है, HPCL 11 एलएनजी स्टेशन बनाएगा, BPCL 11 एलएनजी स्टेशन बनाएगा, गेल 6 बनाएगा, PLL 2 बनाएगा, ऐसे 50। और स्टेट वाइज करे तो गुजरात सबसे ज्यादा, जहां एलएनजी टर्मिनल ज्यादा है, गुजरात में 10, आंध्र प्रदेश में 6, कर्नाटक में 5, केरला में 3, महाराष्ट्र में 8, उड़ीसा में 1, तमिलनाडु में 8, तेलंगाना में 2, हरियाणा में 1, राजस्थान में 3, उत्तर प्रदेश में 2, मध्य प्रदेश में 1। ये बहुत कंजर्वेटिव नंबर है, ये नंबर जल्दी ही बदलने वाला है, ये सब तुरंत काम आज से शुरू हो गया ऐसे मानना चाहिए। और ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के अंदर, ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड के अंदर हर एक 200-300 किलोमीटर के अंदर एक एलएनजी स्टेशन बनने वाला है। ये सबसे बड़ा जिम्मेवारी हम लोग ले रहे हैं, हर एक 200-300 किलोमीटर के अंतराल में एक एलएनजी स्टेशन आएगा और आने वाले 3 साल के अंदर देश की सारे प्रमुख सड़क के ऊपर, प्रमुख इंडस्ट्रियल पॉइंट्स के पास, माइनिंग सेक्टर में लगभग 10,000 करोड़ रुपया खर्चा करके 1,000 एलएनजी स्टेशन निजी क्षेत्र में, सरकारी कंपनियों के अंदर, नए उद्यमियों के माध्यम से एलएनजी स्टेशन बनवाए जाएंगे।